जो वो इंसान पढ़ना और सीखना छोड़ देता है, भले ही उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल, वो बूढ़ा है। एंड जो इंसान लगातार सीखता चला जाता है, लगातार पढ़ता चला जाता है, वो युवा है। ये बात कही है हेनरी फोर्ड ने, जो कि अपने समय के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। आजकल जो हम फोर्ड की गाड़ियाँ देखते हैं, वो उन्होंने ही इन्वेंट की थी उस समय। एंड उनकी इस बात में इतनी गहराई है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सीखना बंद कर देता है, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना बंद कर देता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना छोड़ दिया। ये लाइन उन्होंने प्रूव करके दिखाई है, क्योंकि एट द एज ऑफ 80 वो स्टिल कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे अपने दिन के अंदर निकालते थे अपनी स्टडी के लिए। अगर हम वॉरेन बफे को भी देखते हैं, तो वो भी दिन में 5 से 6 घंटे लगातार कंपनीज की बैलेंस शीट एंड उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं कि उनको आगे किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। वेल, मैं हिमांशु शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, एस्पायरिंग ऑथर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, ऑन द मिशन टू स्प्रेड रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन। वेल, ये इस चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, ये इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस चैनल के ऊपर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको उनमें से किसी में भी जरा सा भी इंटरेस्ट हो, या आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, एकदम एंड तक आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को कंप्लीट करके देखना। तो टॉपिक नंबर 1, अगर तो आप बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे वैल्यू क्रिएशन की जाती है, कैसे मार्केटिंग करी जाती है, कैसे कस्टमर सर्विस बढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं आज की डेट के अंदर जिसके ऊपर हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आइडिया कहाँ से लेके आया जाता है, अपने आप को पोजीशन कैसे दिया जाता है, अपने कस्टमर का अवतार कैसे बनाया जाता है, अपने KPI कैसे सेट करे जा सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हम सारी बातें इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है, अपने कॉम्पिटिशन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना जाता है, बूटस्ट्रैप कैसे कर सकते हैं, फंड रेजिंग कैसे ले सकते हैं, ये सारी बातें हम इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो अगर आपका बिजनेस के अंदर ज़रा सा इंटरेस्ट है, तो ये चैनल आपके लिए होने वाला है। हम इस पर लगातार बिजनेस रिलेटेड सीरीज एंड वीडियोज अपलोड करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 2, लाइफ स्किल्स। अगर तो आपके पास एक MBA की डिग्री है, आपके पास लाइफ स्किल्स नहीं है, तो आपकी मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 रहने वाली है। एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एंड जिस व्यक्ति के पास भले ही कोई बड़ी डिग्री ना हो, भले कोई बड़ा सर्टिफिकेशन ना हो, एंड अगर उसके पास लाइफ स्किल्स हैं, तो उसको आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखा जाएगा। लाइफ स्किल्स के अंदर जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आप 1-to-1 कैसे बात कर सकते हो, 1-to-many कैसे बात कर सकते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसा है, आपके आप अपने हैंड्स को कैसे मूव करते हो, आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हो, आप स्टेज पर जाके कैसे लोगों को एड्रेस कर सकते हो, ये सारी बातें लाइफ स्किल्स के अंदर इंक्लूड होती है। आपको मेडिटेशन के बारे में पता है या नहीं पता, आप गोल सेटिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते, टीम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है, आप लीडर कैसे बन सकते हो, आप लीडरशिप स्किल्स कैसी है आपकी, आप प्रेजेंटेशन कैसे दे पाते हो, ये सारी चीज़ें ही लाइफ स्किल्स के अंदर कवर होती है। आप अपना इंट्रोडक्शन कितना इफेक्टिव ले पाते हो, ये सारी चीज़ें ही लाइफ स्किल्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो अगर आपका लाइफ स्किल्स नहीं है, तो आपकी मार्केट के अंदर वर्थ 0 रहने वाली है। तो इस चैनल के ऊपर हम लाइफ स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस एंड सीरीज अब आगे अपलोड करने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को लाइफ स्किल्स सीखनी है, मेरे को भी लाइफ स्किल्स सीख कर अपनी मार्केट के अंदर वर्थ बढ़ानी है, तो आप सही जगह पर आ गए हो। यहाँ पर हम रेगुलरली लाइफ स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे हम अपने लाइफ स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिकेशन को अपनी इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, नर्वसनेस को दूर मिटा सकते हैं, कैमरे को कैसे फेस कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वीडियो के अंदर बने। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एंड सी, ये चीज़ ना ही हमें अपने घर में सीखने को मिलती, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में, एंड ना ही अपने फ्रेंड सर्कल में। कि फाइनेंशियल एजुकेशन के क्या होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। हमें बस ये बता दिया जाता है कि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वहाँ से एक अच्छी सी डिग्री लेनी है। एंड कुछ लोग जॉब में चल जाते हैं, कुछ लोग कोई प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर चल जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो भी XYZ पैसा आएगा हमारे पास, उसको मैनेज कैसे करना है। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर आज की डेट में, जिसके अंदर अपने पैसे को डाल सकते हैं, जिसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं,
इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी नहीं बताता कि इन्फ्लेशन की वजह से कैसे बैंक में रखा हुआ पैसा दिन पे दिन हमारा कम होते जा रहा है, वो कौन से एसेट्स हैं जो कि असल में लाइबिलिटीज हैं, वहां पे पैसा डालकर हम हर साल अपने पैसे की वैल्यू लूज करते हैं। तो पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप पैसे को मैनेज कर सकते हैं, मनी को एक एनर्जी के फॉर्म में हम कैसे सोच सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी बातें हम इसी चैनल के ऊपर बात करने वाले फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। तो अगर आपका इतना सा इंटरेस्ट है कि मैं चाहता हूँ मैं फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहता हूँ, तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हो। हम इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस एंड सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। रेट रेस को छोड़ के फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना है, वो कौन कौन से तरीके जिन रूल को हम फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को यहाँ से वहां तक लेकर जा सकते हैं, ये सारी बातें हम इसी चैनल के ऊपर बात करने वाले हैं। बैंक अकाउंट से लेके कि सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट को खुलता है, ये इन सब से लेके इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, म्यूचुअल फंड, एफडी, लिक्विड फंड, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आपका जरा सा इंटरेस्ट है कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एजुकेशन लेना चाहता हूँ, तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर हम रेगुलरली वीडियोज अपलोड करने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, रैट रेस को छोड़ के फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जा सकती है, ये सारी बातें हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है तो चैनल में बने रहें। एंड आगे टॉपिक नंबर 4, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। सी, आज की डेट में अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ना ही आपको कोई फैक्ट्री डालने की जरूरत है, ना ही कोई मिल डालने की जरूरत है, ना ही लाखों करोड़ों रुपए लेने की जरूरत है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक नई फील्ड की आ गई है। तो अगर कोई अपना करियर भी चूज करना चाह रहा हो या कोई अपना नया करियर स्टार्ट करना चाह रहा हो या तो ढूंढ रहा हो कि मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, रिगार्डलेस आपके पास कोई सी भी स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप इस फील्ड की तरफ देख सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है। एंड यहाँ पे पैसिव इनकम की बहुत ज्यादा बात आती है कि काम नहीं कर रहे तब भी पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मेहनत भी इतनी ज्यादा है जितनी कि कहीं और है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, कौन कौन से वेज है, कौन कौन से व्हीकल है जिसके अंदर हम बैठकर इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि जहां से आप दूसरे के प्रोडक्ट से या अपने प्रोडक्ट को खुद डिजाइन करके हम मार्केट कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम इसी चैनल के ऊपर करने वाले हैं। मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा एंड जो मैं अभी सीख रहा हूँ रेगुलरली वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बट मेक श्योर आप जो जो वीडियो देख रहे हो उसके साथ आप कॉपी एंड पेन लेके बैठो, क्योंकि नॉलेज जो मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाली है। एंड इन्फॉर्मेशन से बिजनेस नहीं बनता, इम्प्लीमेंटेशन से बिजनेस बनता है। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है जिससे कि आप फ्यूचर में जाके इम्प्लीमेंट कर सको। तो अगर आप चाहते हो कि हम इन सारी स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, हम इस चैनल के ऊपर एकदम फ्रेमवर्क के अंदर बात करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है आपके समझने में एंड इम्प्लीमेंट करने में। एंड हम इस चैनल के ऊपर रेगुलरली गोल सेटिंग से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्कशॉप्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल ये होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने पैशन को प्रॉफिट में कैसे बना सकते हैं, आइडिया से एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस करें, सबसे पहले बिजनेस, लाइफ स्किल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका इसमें जरा सा इंटरेस्ट है या आप चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर करना कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपसे वीडियोज मिस ना हो जाए, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियो अपलोड होने वाली है एकदम इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल। तो मेक श्योर करना कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हिमांशु शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, एस्पायरिंग ऑथर ऑन द मिशन टू स्प्रेड रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन।